सो आके बैठ गए नक्की लेक में, आधा पौना घंटा यही बैठेंगे, पानी को देखेंगे कम होता हुआ पानी को देखेंगे तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं 4:55 टू बी एग्जैक्ट, और अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट और पॉइंट और हनीमून पॉइंट जो कि बाजू बाजू में है, वहाँ से सनसेट देखने जाएंगे क्योंकि एक घंटे में सनसेट हो रहा है। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे बाज़ार में, वहाँ से चाय पियेंगे और फिर सनसेट पॉइंट जा रहे हैं जो कि नक्की लेक के एकदम बाजू में है। मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह हम लोग जाएंगे टॉड रॉक और नक्की लेक में जो बोटिंग करनी है वो कल लास्ट डे हमारा तब रखेंगे। तो अभी नीचे आके अच्छी सी जगह पे चाय पीते हैं। A few moments later. तो अभी हमने चाय पी ली है, अभी जा रहे हैं नक्की लेक की, और बहुत जहर वाली चाय थी, जहरीली चाय थी, बहुत ज्यादा मीठी थी। नक्की लेक के रास्ते में आपको काफी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, ऑनेस्ट है, फूड इन है, संकल्प है, और काफी सारे आइसक्रीम शॉप्स भी है। अंजलि आइसक्रीम रात को पक्का क्या क्या पक्का खाना है रात को रबड़ी खानी है, फिर मैं रात को आइसक्रीम खानी है बस। तो ये नक्की लेक का गेट, और नक्की लेक के गेट के बाजू में ये जो रास्ता पड़ता है, यहाँ से जाएंगे हनीमून पॉइंट। सनसेट पॉइंट यहाँ से नहीं आता, सनसेट पॉइंट पीछे जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हनीमून पॉइंट। तो गाइस हमने एंट्री कर ली है हनीमून पॉइंट वाले रास्ते पे। तो यहाँ से वो गाइड ने बोला, जो आगे पूछा जिससे हमने, वो बोल रहा है 1 किलोमीटर का रास्ता है, लेट्स होप कि तब तक सनसेट ना हो जाए। और आप घोड़े से भी जा सकते हैं, आप घोड़े से भी जा सकते हैं। मुझे उस बंदे पर भरोसा है तो जैसे वो दिख रहा था कर रहा था, और घोड़े पे भी नहीं थे। हाँ मुझे किसी पर भरोसा है तो भाग गया तो हो गया, मैं नक्की लेक में फेंक गया मुझे। तो यहाँ तक आपको आने के लिए, ये जो आपको सामने नक्की लेक दिख रहा है, नक्की लेक का एंट्रेंस आपको राइट साइड पूरा घूमते घूमते नक्की लेक से यहाँ तक आना पड़ेगा। कम से कम 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का रास्ता है, फिर ये जो गेट है उस गेट से अंदर 1 किलोमीटर और है। तो अभी हम लोग यहाँ हनीमून पॉइंट पे आए थे, पर यहाँ से सनसेट नहीं दिख रहा, सो आगे जा रहे हैं सनसेट पॉइंट पे। सो ये है हनीमून पॉइंट जो पीछे गए थे, पता नहीं क्या था, ये हनीमून पॉइंट है, यहाँ से देखते हैं सनसेट। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए सनसेट पॉइंट। अब यहाँ पे रख रहा हूँ मैं गोप्रो अपना टाइम लैप्स लेने के लिए, देखते हैं कितना अच्छा टाइम लैप्स आता है सनसेट का। देखा जैसे ही सनसेट खत्म हुआ सब लोग निकल गए यहाँ से, ये पूरा भरा हुआ था, पूरा खाली हो गया, लोग जल्द ही निकल रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही है, और फिर मार्केट भी यहाँ से निकलना है। तो अब सनसेट के बाद ये प्रोग्राम चल रहा है। अंजलि फिर तो खाना खाएगी, अब खाने का ही प्रोग्राम चलेगा रात में। आज सनसेट देख लिया, अंजलि बोल रही है 1.5 किलोमीटर जाने का रास्ता है, पहले कुछ खा लेते हैं वरना वहाँ तक चल नहीं पाएगी, घोड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए रात को खाएगी ना फिर तू मार्केट में। तो दोबारा खाऊंगी मैं, दोबारा खाऊंगी। तो आके बैठ गए नक्की लेक में, आधा पौना घंटा यही बैठेंगे, पानी को देखेंगे कम होता हुआ पानी को देखेंगे ये लोग बोटिंग कर रहे हैं, हम थोड़ा देख लेंगे बोटिंग करते हुए। अब मैंने करण को बोला अब एटलीस्ट 3 महीने हिल स्टेशन की छुट्टी लेनी है, अब कहीं नहीं जाना, जहाँ चल के जाना पड़े, सब जगह कार लेके जाएंगे। हाँ थक गए यार, चल चल के अभी थक गए, इसीलिए बैठे यहाँ पे। अभी भी नाइट बोटिंग चल रही है तो आधा पौना नहीं, तो जूते बहुत प्रॉब्लम है, इतने मंदिर कवर किए हमने, आज 3-4 मंदिर गए, सब जगह जूते निकाले, जूते पहनो, जूते निकालो, जूते खोल।
एक चप्पल रखो उस पैर में। अब जो मेन पॉइंट है वो यही है कि नकी लेक में बोटिंग है वो बाकी है हमारी, और टोड रॉक है वो विजिट करना बाकी। तो कल मंडे सुबह का प्लान है कि सुबह कल सुबह हम टोड रॉक विजिट करेंगे और उसके बाद यहाँ नकी लेक में बोटिंग करेंगे। और एज यू कैन सी अभी नाइट में यहाँ पे बोटिंग ऑन है। सो आधे पौने घंटे के बाद बैठने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। पैर अभी ऐसा बोल रहा है कि प्लीज़ हमें यहीं पर छोड़ दो, आप लोग चले जाओ हमें यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ 15,000-16,000 के आसपास स्टेप्स हम लोग चले और अभी थोड़ा चल के जाना है। होटल यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास दूर है और थोड़ा मार्केट अभी एक्सप्लोर करना है। सो जैसे हमने आपको बोला था कि नाइट की यहाँ पे लाइफ है, फूड है, वो एक्सप्लोर करने वाला है। कोई जय भवानी पे खड़े बटर वड़ा पाव खाने के लिए, स्टार्ट किया जस्ट अभी हमने, देखते हैं क्या क्या चीज़ें ट्राई करते हैं आज। अंजलि आँखें बड़ी बड़ी करके खा रही है, मैं खा रही हूँ दोनों। नहीं नहीं रुक जाओ थोड़ी देर में ब्लॉग करते हैं, वड़ा पाव हाथ में नहीं आएगा। तो नाइट में कुछ ऐसे ही दिखती है मार्केट, खाने पीने की शॉप है, शॉपिंग करने के लिए भी शॉप है। अभी हमने यहाँ से अंजलि के लिए 2 कुर्ते लिए हैं और उसके अलावा आगे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ऑनर्स का पाव भाजी खाने चलेंगे। लेट्स सी। फाइनली आके ऑनर्स में पाव भाजी खाने। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, आई गेस 11-12 के आसपास टेम्परेचर है और अभी जस्ट 7:50 हुए, बहुत ज़्यादा ठंड है। और करण बंदर जैसा लग रहा है वो कैप पहनने के बाद। हाँ और बताना कैसा लग रहा हूँ मैं कैप पहनने के। मैं बता रही हूँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा हूँ तू? मोटे अंकल आते हैं ना वैसे टाइप का लग रहा है। अच्छा तो तेरे पाव भाजी के पैसे तू देना, ठीक है? ऑनर्स में खाना हो गया डन। अभी शॉपिंग के लिए सामने जा रहे हैं, कोई कोरियन डिजाइनर स्टोर है, देखते हैं कौन कौन से आइटम अंदर है। A few moments later. So, कोरियन वाली शॉप पे जाके आ गए, अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, बट घर की जो सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें थी, अच्छी थी, काफ़ी महंगी थी बट अच्छी चीज़ें मिल रही थी। और अभी आए द चॉकलेट रूम। अंजलि का मुंह देख के पता चल रहा है खुश हो गई, खा के बात करेगी खा के। और ये ऑनेस्ट के एकदम बाजू में डोमिनोज पिज्ज़ा है, तो ये पूरा फूड वाला एरिया ही है, आप समझ लो यहाँ पे होटल्स है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आइसक्रीम और उस सब की शॉप है। और पीछे की तरफ जब नकी लक में जाओगे तब वहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग की भी शॉप्स है जहाँ से आप कुर्ते और वो सब खरीद सकते हैं। अंजलि 2 कुर्ते लिए हैं, तो यही है मार्केट का पूरा एरिया। नीचे थोड़ा और मार्केट है, नीचे चलते हैं तब आपको दिखाते हैं। और जैसा सब बोल रहे हैं कि राजस्थान में कर्फ्यू का सीन है, कर्फ्यू का सीन ऐसा कुछ नहीं है। अभी 8:30 हुए, हम लोग आराम से घूम रहे हैं, सभी चीज़ें ओपन है और आई गेस रात के 10-10:30 बजे तक सभी चीज़ें ओपन रहती, तो यहाँ पे ऐसा कर्फ्यू टाइप नहीं है। आज संडे है फिर भी सभी चीज़ें ओपन है और काफ़ी कल ज़्यादा ट्रैफिक था सैटरडे को, आज थोड़ा कंपेरेटिवली कल से कम ट्रैफिक है। उदयपुर में तो 8 बजे शॉप्स ही बंद हो जाती है, लोग करेंगे बाहर। उदयपुर में जब हम लोग गए थे लास्ट मंथ तब वहाँ पे कर्फ्यू था, वहाँ पे 8 बजे सभी चीज़ें बंद हो जाती थी 8:30 लेटेस्ट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 10-10:30 बजे तक यहाँ पे सब ओपन रहता है। और आगे हम लोग हमारे होटल वाले रास्ते पे, यहाँ हमारा होटल है और ये सामने आई लव चाचा म्यूजियम है, उसके सामने रास्ता जाता है वहीं पर हमारी होटल है। सो अब 8:30 हो गए, डिनर हमने कर लिया है, आइसक्रीम खा ली है, आपको जो मार्केट है वो भी घुमा दिया है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नया हो सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले। वी विल सी यू गाइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।